सरकार बनने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा रियासी में जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल हुई है और रैली निकालने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन रियासी के सम्मान करने किया गया। वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता नेता इस समय मौजूद है। इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता तारिक भट्ट जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं आगे किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। कल सरकार बनी, आज जश्न है, क्या क्या हुआ है जश्न के दौरान? देखिए, कल जो लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में वजूद में आ गई है और एक डेमोक्रेसी यहाँ पे बहाल हो गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके कहने पर, जिनके हुक्म के मुताबिक जहाँ पर सरकार बनाई गई, यहाँ पर इलेक्शन करवाई गई है। मैं मरकजी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजोरिटी में यहाँ पर वजूद में आ गई, उनकी सरकार बन गई है। लेकिन फिर भी हम अलायंस को लेकर के चल रहे हैं। आज रियासी में जश्न सरकार मनाया जा रहा है जिसमें हमने कम्युनिस्ट पार्टी, पैंथर पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी जहाँ पे दावत दी है, मधु किया है, वो आए हुए हैं। और आज हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। सरकार बनने पर मुबारकबाद लोगों को है और फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जितने भी अलायंस के बाकी लीडर हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, तारा गमी है, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अंदर खाने ये बात चल रही है कि कांग्रेस के मंत्री दो नहीं बनाए गए इसलिए नाराज है और बाहर से समर्थन किया गया। ये उनकी अपनी घर की उनकी लड़ाई है। हमने ऑफर किया था इलेक्शन उसके मिनिस्ट्री के लिए, तो ये पार्टी हाईकमान का मसला है, इस पर ज्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ताजपोशी आपकी हुई है ये कांटों भरा ताज है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले दस सालों में जो जबर जो जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुआ है, अब उन पे मरहम पट्टी करना है। उनके जख्म जो है वो गहरे हो चुके हैं, वो आस्ता आस्ता ही भरेंगे। और लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब राहत मिलेगी, उनके जो भी काम होंगे वो काम होने शुरू हो जाए। 370 जो वादा किया था, 12 गैस सिलेंडर, बिल्कुल हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ेंगे और उस पे अमल जो है वो जारी रहेगा। चौधरी जी को डेप्टी सीएम बनाया गया, ये अच्छा कदम। चौधरी जी को जम्मू के डोगरों को एक डोगरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी देन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए तारिक भट्ट जी। समय कम था क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जो मंच संचालक हैं तारिक भट्ट जी हैं, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं कर पाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा रियासी में जश्न सरकार बनाया गया, सरकार बनने का जश्न मनाया जा रहा है और इस दौरान संजोगगढ़ रियासी में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पीछे कार्यक्रम जो है इस समय चल रहा है, रैली जो है वो रियासी के जनाना पार्क से शुरू हुई, मुस्लिम मोहल्ले, मेन चौक चबूतरा, मेन बाजार और नई बस्ती से होते हुई रैली इस समय रियासी के संजोगगढ़ में पहुंची है और यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सवाल 12 गैस सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री बिजली पर भी किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।